हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्थिति क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही का परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है 27 फरवरी को, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर इसका कटअप कितना तक जा सकता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम सभी चर्चा करेंगे और 100% आपको प्रूफ के साथ में बताने वाले हैं कि आपका एक्यूरेट कटअप जो है वो कितना रह सकता है, बिल्कुल प्रूफ्ड के साथ में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर हम कटअप की बात करें कि बिहार मध्य निषेध सिपाही का कटअप कितना तक जा सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या अदर स्टेट हो या ओबीसी हो या एसटी हो या एससी हो, हर कैटेगरी के बारे में बताने वाले आपको, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो देखिए, सबसे पहले आप सबको बता देना चाहते हैं कि एक वोटिंग डाला गया था कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे वोट भी किए हुए हैं और अपना स्कोर भी बताए हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए उसे देख लेते हैं, उसके बाद सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए जो है कि 4 घंटा पहले आप सभी को एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया गया कि आप सभी बताइए कितने क्वेश्चन जो है कि आप सभी सही सही बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे देखिए यहाँ वोट भी अपना डाले हुए हैं, 18% जो है कि वह 50 से 60 क्वेश्चन तक बनाए हुए हैं एक्यूरेट। ध्यान रखिएगा आप सभी, 50 से 60 क्वेश्चन 18% बनाए हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए आप सभी, 60 से 70 क्वेश्चन जो है कि वह 14% मात्र में बच्चे बनाए हुए हैं। ये 1000 बच्चे का डाटा है, देख सकते हैं आप सभी, 1K वोट डाला हुआ है, वोटिंग किया हुआ है। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि 60 से 70 जो है वो लगभग 14% बच्चा जो है कि आंसर सही किया हुआ है। और उसके बाद देखिए, सबसे अधिक जो आपको देखने के लिए मिलेंगे तो वो 70 से लेकर 75 क्वेश्चन। आप सभी को शुरू से बताते आ रहे थे कि अगर 70 से 75 क्वेश्चन अगर सही कर लेते तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। लगभग 49% बच्चा जो है वो 70 से 75 क्वेश्चन एक्यूरेट सही किया हुआ है। उसके बाद देखिए, 75 से 80% जो है कि वो मात्र में 12% ही बच्चा सही कर पाया है, और 80 से ज़्यादा जो है वो लगभग जो है कि 7% ही बच्चा जो है कि एक्यूरेट सही कर पाया है आंसर को। तो अगर कटअप की बात करें तो अगर आप सभी 70 से 75 क्वेश्चन अगर बनाए हुए हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, अगर 70 से 75 क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो आपका बिल्कुल रिजल्ट होगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप सभी जनरल से आते हैं, बिहार से EWS से आते हैं, तो बिल्कुल आप सभी का रिजल्ट होगा अगर 70 से 75 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर है, इससे बेसी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो अगर 70 क्वेश्चन भी बनाए हुए, 70 से 72 क्वेश्चन भी बनाए हुए आप सभी, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा, बिल्कुल सेफ स्कोर में रहिएगा आप सभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पेपर देखिएगा तो पेपर काफी अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था पेपर में, बिल्कुल 10th लेवल का प्रश्न पूछा गया था, और जो क्लास हम आपको करवाए थे करीब-करीब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे क्लास से, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए हुए थे हम। हमें उम्मीद है कि जो हम आपको प्रोवाइड किए थे और मेरा जो कि मेहनत सफल हुआ है थोड़ा। तो चलिए, कोई बात नहीं है, इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए और आपके लिए हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप सभी एसटीएससी से बिलोंग करते हैं, अगर आप सभी 68 क्वेश्चन सही किए हुए, 68 से 70 क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप सभी सेफ स्कोर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लड़के की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, तो बहुत सारे बच्चे स्कोर किया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो तय कि आपका कटअप थोड़ा सा हाई जा सकता है, तो अगर आप सभी इतने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी सेफ कैटेगरी में रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी ये नहीं कह सकते हैं, देखिए अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, वोटिंग के आधार पे आपको बताया जा रहा है कि इतना बच्चे जो है कि लगभग 49% बच्चे जो है 70 से 75 क्वेश्चन सही किया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है कि कोई हाई फाई भी बच्चा होगा इसमें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिजल्ट में भी आपको यही देखने के लिए मिलेंगे, पर वोटिंग के आधार पर आप सभी देख सकते हैं कि 70 से 75 क्वेश्चन जो है कि बच्चा अटेम्प्ट किया हुआ है, जो कि एक्यूरेट सही किया हुआ है। हो सकता है इससे भी कम आपका जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 60 से 70 भी जा सकता है, क्योंकि 14 से 18% जो कि बच्चा ऐसे भी हैं जो कि 60 से 70 क्वेश्चन सही किया हुआ है। तो ये चीज़ पर गौर कीजिएगा आप सभी, सारा कन्फ्यूजन आप सभी का क्लियर है। ST SC OBC प्लस में आपका EWS और अदर स्टेट वाला का तो हाई फाई कटअप रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर आप सभी 75 से 80 स्कोर कर पाएँ अदर स्टेट वाला, तब तो आपका रिजल्ट होने का चांस है, अन्यथा कोई चांस नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, लड़कियों के लिए भी एक वोटिंग किया गया था, जिसमें कि बहुत सारी लड़की भी बताए हुए हैं, 12% लड़की जो है 40 से 50 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, ये 1000 वोट का डाटा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी से डाटा का पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, 50 से 60 क्वेश्चन जो है कि लगभग 11% स्टूडेंट सही किए हुए हैं, और उसके बाद देखिए 60 से 65 क्वेश्चन की बात करें तो लगभग ये 8% हैं बच्चे, और सबसे अधिक जो है वो 65 से 70 क्वेश्चन जो है कि सही किए हुए, ध्यान रखिएगा एक्यूरेट सही किए हुए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो बच्चे 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट
अटेम्प्ट किया, इसमें कोई छो पाँच वाली बात नहीं है। पर देखिएगा तो एक डाटा आपसे भी देखिएगा एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर सही करने का, तो 65 से 70 क्वेश्चन सही किया हुआ है। तो देखिए लड़की का कटअप जो जाता है वो कम जाता है, तो यह चीज़ पर गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आप सभी STSC से आते हैं, अगर 50 क्वेश्चन भी आप सभी बेहतर तरीके से बना लिए, 50-55 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में रहिएगा, रिजल्ट आपका निश्चित होगा। और इससे ज़्यादा जो है कि मात्र में 12% बच्चा जो है कि 70 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो अगर इस डाटा के अनुसार हमसे भी देखें तो अगर आप सभी EWS और OBC से आते हैं तो अगर 60 से 70 क्वेश्चन सही कर पा रहे तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। STSC आप सभी ध्यान रखिएगा, अगर 55 से 60 क्वेश्चन 60-62 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप भी सेफ कैटेगरी में रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये डाटा के अनुसार अगर देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट जो सही कर रहे बच्चा वो 65 से 70 क्वेश्चन सही कर रहे लड़की में, ये 1000 का वोटिंग था। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या कटअप बन सकता है, ध्यान रखिएगा ये एक्यूरेट डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है, अनुमान नहीं लगाए हैं हम, ये बच्चे के द्वारा दिया गया डाटा है और इसी आधार पर आपको पता चल जाएगा क्या कटअप जा सकता है आपका, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि 1000 बच्चे का अगर वोटिंग है तो यहां से आपको पता चल जाएगा क्या कटअप जाने वाला है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर इतना क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो आप सभी फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज समझ चुके होंगे और सारा कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम सभी, सबसे पहले यह काम कर लीजिए आप सभी कि जो आज का पेपर हुआ है उसका जो है कि सोल्यूशन करवाया गया, तो आप सभी देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन को सही किए हुए हैं आप सभी एक्यूरेट, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप सभी 70 से 75 क्वेश्चन अगर बनाए हुए हैं OBC या EWS से हैं तो अब आपको फिजिकल का तैयारी करना है या नहीं करना है, तो सबसे पहले यह चीज़ पर हम सभी चर्चा कर लेंगे। देखिए अगर आप सभी इतने क्वेश्चन सही कर पाए तो आप सभी फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सोइएगा नहीं, क्योंकि जब तक फिजिकल का तैयारी नहीं कीजिएगा तो सिर्फ पासिंग मार्क है, रिजल्ट जो आपका होगा वो फिजिकल से ही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिजिकल का तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अगर इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप सभी फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, और जो भी बच्चे इससे कम भी किए हैं तो वो भी फिजिकल का तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी एक्यूरेट डाटा नहीं आया हुआ है और ये 100% नहीं बता सकते आपको हम, तो ध्यान रखिएगा ये आप सभी। ऐसा नहीं कि अगर 70 क्वेश्चन अभी सभी बच्चे बता रहे तो 70 क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि हो सकता है इसमें गलती भी किया होगा, वो देखा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आपका इससे भी कम आ रहा है तो आप भी फिजिकल का तैयारी कीजिए, हो सकता है अगर रिजल्ट हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर अभी से बैठे रहिएगा तो समय आ जाएगा तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाइएगा और फिजिकल में सटा जाइएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज़ पे आप सभी गौर कर लीजिएगा और अभी से फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, क्योंकि 2 माह में अगर एग्जाम ले सकता है तो ज़्यादा समय आपको फिजिकल के लिए नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ पे आप सभी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ समझ चुके होंगे और जो हम आपको बताएं वो एक्यूरेट बताएं, कहीं कोई कन्फ्यूजन बात आपको नहीं बताए हैं, और जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है वो काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरा कोशिश है कि आपको वो चीज दिया जाए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बिहार फायरमैन का भी एग्जाम होने वाला है तो आप सभी जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा और वही क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप सभी मेरे साथ जुड़ के फायरमैन का तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारा फायरमैन का क्लास भी शुरू से करवाए आए हुए हम ही, और अभी जो कि आपको नया सेट शुरू कर दिया जाएगा और जो कि टॉपिक वाइज भी आपको क्लास दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, ताकि आपका एक बेस बन सके, क्योंकि अभी लगभग 1 माह तक समय है आपके पास। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम दिए हुए उसे भी पता चल पाए कि कितने क्वेश्चन वो सही कर पाए और क्या उसका सेफ स्कोर है। तो जरूर आप सभी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।